दोस्तों इस प्रकार का मैसेज हर उस व्यापारी के मोबाइल में पहुंचे हैं जिस व्यापारी के पास जीएसटी नंबर है और वो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, और इस मैसेज ने बहुत सारे व्यापारियों को परेशानी में भी डाल दिया है। और परेशानी में डालने का जो मेन वजह वो यही है, अभी इस मैसेज में जो ये डिफॉल्टेड वर्ड जो लिखा हुआ है इसी की वजह से, क्योंकि ये जो डिफॉल्टेड वर्ड जो लिखा हुआ है इस वर्ड को बहुत सारे व्यापारी इसको अलग व्यू से ही देख रहे हैं। उनका मानना यही है या उनको यही सोच रहे हैं कि हमने कोई GST R1 या GST R3B को फाइल करते वक्त कोई मिस्टेक कर दी, कोई गलती कर दी, जिसकी वजह से हमें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो मैसेज है न तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस की तरफ से भेजा गया है और नहीं आपके कोई टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट के ऑफिस से आपको मिला है। ये मैसेज आपको बाय डिफॉल्ट GST की सर्विस पोर्टल से ही आपको मिला है। और इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है इसे हम एक बार रीड करते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है, डियर, आगे आपका GST नंबर, एज पर QRMP स्कीम यू आर डिफॉल्टेड टू फाइल योर GST R1 and 3B ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब यहाँ पे क्वार्टरली की जगह कईयों के पास ये मंथली वर्ड भी लिखा आ रहा है। बेसिस फ्रॉम January-March 2021 टू चेंज प्लीज विजिट service.gst.gov.in। यानी कि इस मैसेज में स्पष्ट रूप से यही लिखा गया है भी अभी तक आप जो GST R1 क्वार्टरली फाइल कर रहे थे तो अब आपको 3BB क्वार्टरली में ऐड कर दिया गया है, ऐसा GST पोर्टल का मानना है। क्योंकि अब GST पोर्टल का मानना ये भी इन्होंने आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर थी उसको एग्रीगेटेड टर्नओवर मानते हुए अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो अभी तक आप GST R1 तो क्वार्टरली फाइल कर रहे थे लेकिन 3B आप मंथली फाइल कर रहे थे, और अब आपको आपकी एग्रीगेटेड टर्नओवर को देखते हुए अब 3B को भी क्वार्टरली बेसिस में ऐड कर दिया गया है। अगर आप चेंज करना चाहते हो भी, अब मैं 3B को मंथली रखना चाहता हूँ, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जो जनवरी 2021 से जो 3B अभी तक हम जो मंथली फाइल कर रहे थे उसका क्वार्टरली बेसिस भी शुरू हो चुके हैं, जिनकी जो फाइनली टर्नओवर मैक्सिमम जो टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो 3B को भी क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। तो अब ऐसा मैसेज ये बाय डिफॉल्ट GST पोर्टल की तरफ से हर व्यापारी को भेजा जा रहा है। अगर कोई व्यापारी 3B को भी मंथली रखना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं, और ये QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ये जो स्कीम जनवरी 2021 से लागू हो रही है। तो हमें पोर्टल पे जाके किस तरीके से इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और कौन से व्यापारी को 3B में रहना, 3B को क्वार्टरली में रहना चाहिए या मंथली बेसिस पे करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें GST पोर्टल पे जाके पार्टी को लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद में सर्विसेज पे हमें जाना होगा, और उसके बाद में रिटर्न्स पर, और रिटर्न्स पे जाने के बाद में OPT इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 बिल्कुल सही है, और इस पर हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन हमारे को मैसेज में आ रहा था क्वार्टरली का, तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हो ये क्वार्टरली और मंथली दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आप इसे क्वार्टरली हटा के मंथली रखना चाहते हो तो आप इसे मंथली कर सकते हो, और मंथली पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव करना पड़ेगा, और इसके आगे इसकी ड्यू डेट भी दी गई है भी अगर आप GST R1 को क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, और GST R3B को अगर आप क्वार्टरली फाइल करोगे तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी। तो दोस्तों ये जो टर्नओवर है इन्होंने एनुअली एग्रीगेटेड जो टर्नओवर है ये इन्होंने फाइनेंशियल ईयर की, ये इनका ये मानना है भी टर्नओवर जो 1.5 करोड़ से कम है तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसको 3B की जो मंथली रिटर्न है उसको क्वार्टरली बेसिस में ऐड कर दिया है। अगर आपकी टर्नओवर यहाँ से 1.5 करोड़ से ज़्यादा है या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ये मंथली बेसिस का मैसेज आएगा भी, आपको जो 3B है वो जैसे रेगुलरली अभी तक मंथली फाइल कर रहे थे उसी तरीके से आपको आगे भी 3B को मंथली ही फाइल करना है। और जिनकी टर्नओवर कम है उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है भी आप क्वार्टरली में भी आ सकते हो और मंथली बेसिस भी आप रिटर्न अपनी 3B को फाइल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इस मैसेज का मतलब समझ में आ गया होगा भी, ये जो मैसेज अब बाय डिफॉल्ट वो GST पोर्टल की तरफ से आया है, इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट ऐसा आपके लिए एक बेनिफिट है आप क्वार्टरली में रहना चाहते हो या
मंथली GST R35 को फाइल करना चाहते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।